ये आप चीज देख रहे हो। अच्छा ये पिज्जा है कि क्या है? यार मटका पिज्जा ही है यार। अच्छा इनकी लस्सी का अभी लेवल का आखिरी टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग भाई राणा प्लीज। तो भाई जान आज हम नाश्ता करने आए थे अंदरून में, और अंदरून में इतना कुछ कोई रश था पुरानी अनारकली में बाबर खोए वाले चने पे, ओए ओए मैं कहता हूं सारा रास्ता ब्लॉक हुआ, मतलब बड़ी ही कोई मुश्किल से जाके हमें जगह मिली, और जगह लेने के बाद फिर हमने कोई ऑटो शोटो दिया, और वहाँ पे लाइव लस्सी थी जो लस्सी का भी नेक्स्ट लेवल था, और वहाँ पे जो कुल्चे आ रहे थे वो बिल्कुल लाइव, मतलब वो फ्रेश कुल्चे लगा रहे थे और कुल्चे आई जा रहे थे, और वहाँ इस तरह टूट पड़ी थी अखीर ही हो गया था। इनका फैमिली का भी इंतजाम है, फैमिली सिटिंग का, फैमिली हॉल उनका टॉप रोप पे है। तो अगर यहाँ से मैं आपको, ये है वो जगह जहाँ पे फैमिली का निज़ाम है, और रश अभी भी यहाँ पे फुल टाइम है, टाइम तकरीबन 3 बजने वाले हैं, और इतना रश की इंतहा है कि आप देख लें कि मैं कह रहा हूँ कि सिटिंग के लिए जहाँ पे हम बैठे हुए थे वहाँ पे भी, मतलब कि अभी हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पीछे 3-4 बंदे आए खड़े हो गए, मतलब कि अलग अलग पार्टियाँ के, ये उठेंगे तो हम बैठेंगे, और इतनी को रश की इंतहा थी कि आप मतलब कि लाइनों में लोग खड़े हो गए तो यहाँ पे आके वो। ये जी पुरानी अनारकली, और यहाँ पे ट्रैफिक के भी कुछ हालात ही हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे फंस गई है, लोग वापस मुड़ रहे हैं, वापस हाँ लोग वापस जा रहे हैं रश की वजह से। इस वजह से अभी हमने भी यहीं पे स्टे कर लिया है, और हम रुके थे भाईजान के पास, ये भाईजान है इनका, ये ऊपर होटल है, पहले हमारा सीन बना था कि इनके पास। ये जी बाबर खोए जाने जो कि पुरानी अनारकली में है, और आप यहाँ पे मिर्जा लता खान साहब बैठने की जगह मिलेगी हमें, जरा कोई यार होप फॉर द बेस्ट, जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह। इनके पास ताजा लस्सी भी है यहाँ पे, रश की आप इतना चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा रश यहाँ पे इतना है कि किसी को कुछ पता नहीं चाह रहा है कि वो क्या ऑर्डर कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इनके पास छोटे बोंग है, ओए ओए मैं तो अन्ना ही रख। ट्रेन की सिटिंग अंदर भी फुल टाइम भरी हुई है, सिटिंग का जरा मुश्किल ही है ना साहब। अजय फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद हमें यहाँ पे एक जगह मिली है, ये भाई जो उन्होंने टेबल खाली कर दिया, और यहाँ पे सिटिंग का ये निज़ाम है कि आपने खुद ढूंढनी होती है जगह। उस वक्त हमने करवाया रहता चने हैं और लस्सियाँ करवाई हैं। हाँ साहब ताज़ा नान, नान हम ताज़ा करवा लिए हैं साथ ही। अच्छा सैरी करने का मतलब आपको सिर्फ अंदरून लाहौर में ही आ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता, रहता भी बड़े कमाल के अभी। चले जबरदस्त, कमाल यार चले जबरदस्त, अलग है सिर्फ सादे चने, और सादे चने भी कमाल के हैं। चनों के साथ नान का जो लस्सी का टेस्ट आ रहा है ना, मैं कहता हूँ लस्सी का ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ रहा है। ओए 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 बाबर होटल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे लाइव लस्सी लग रही होती है। अच्छा इनकी लस्सी का अभी लेवल का आखिरी टेस्ट है इनका। तो यहाँ पे आने से पहले हम गुजरे मार रोड से गुजरते हुए यहाँ पे पहुंचे, तो मार रोड पे अच्छा खासा रास्ता, तो लेकिन जब यहाँ पे पहुंचे तो हम मार रोड को भूल गए कि मार रोड पे कोई रश ही है, वहाँ भी ये लग रहा था कि जैसे अभी मतलब कि अभी सुबह हुई है, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचे तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके थे। यहाँ से ये अनारकली स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे ये फूड पॉइंट है खाने के, और आप रश चेक करिए यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि इतना कोई रश है मार्केट में, ट्रैफिक फंस फंस के जा रही है, मतलब ये नहीं कि कोई स्मूथली नहीं गुजर रहा, हर जगह पे अखीर ही रश है।
गुजर रहे थे यहाँ से गुजरते हुए, हमने देखा मटका पड़ा हुआ था, उसके ऊपर देखा था मटका पिज्जा, तो सोचा क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। तो ऐसे ही बस हम खाना खा के जैसे बात जा रहे थे तो बड़ा एक मतलब लग रहा था मटका पड़ा हुआ भाई रे, और उसके ऊपर लिखा हुआ मटका पिज्जा, एक ऑर्डर दिया है और आते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है कैसा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मटके के अंदर पिज्जा कैसे बन सकता है। तो वो एक थोड़ा सा हो रहा था कि यार चलो इसको ट्राई करते हैं, तो अभी बस हमने ऑर्डर किया हुआ, जैसे ही आते हैं आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर उन्होंने कैसे बनाया है और क्या लवाजमात है अंदर। सर वेट कर रहे हैं, देखते हैं। तो बस ये है कि अभी बस हम बैठे हुए थे तो गुजरते गुजरते अचानक ही प्लान बना कि यार पिज्जे को ट्राई किया जाए, क्योंकि पहले हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो बस ये ट्राई करने बैठे हैं और देखते हैं क्या टेस्ट होता है इसका। अच्छा जी, ये हमारा पिज्ज़ा आ चुका है, ये हमारा है मटका पिज्ज़ा, तो देखेंगे मटके पिज्जे के अंदर से क्या निकलता है क्या नहीं, खुल जाए सिम सिम वाला हिसाब होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा ट्राई है और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ होता है। मुझे बस एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है, ये इतनी बड़ी मोटी डो होनी चाहिए क्या, मतलब कि इतनी मोटी डो होगी क्या होगी, या तो ब्रेड नीचे वाली साइड पे होगी सारी, इसके ऊपर सारा चिकन होगा और उसके ऊपर ऑलिव होता है वो टॉप पे होगा, ठीक है। तो बस ये है जी हमारा मटका पिज्ज़ा। शेक बहुत गर्म है यार। अच्छा वाओ, ऊपर मार। ये है जी मटका पिज्ज़ा, ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो बॉइलिंग इसका अभी तक वो प्रोसीजर है वो हो रहा है यहाँ पे। ये जी मटका पिज्ज़ा, इसकी बड़ी मतलब कि बाइट से एक लुक अच्छी आ रही थी कि मटका पिज्ज़ा है, तो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा ये कि अभी इसको हम कर रहे हैं निकाल रहे हैं बाइट से, देखें कि निकाल के अंदर से कि कैसा है ये पिज़्ज़ा, मतलब कि इसकी डो कैसी होगी। ये तो मुझे सिर्फ अभी तक जो अंदर से निकल रहा है वो चिकन ही है। हाँ सर, एक सेकेंड। यार इसकी ये चिकन की वो देख रहे कितनी हैवी है, ये आप चीज देख रहे हो। अच्छा ये पिज्जा है कि क्या है? यार मटका पिज्जा ही है यार, लेकिन इसकी ब्रेड श्रेड कोई नहीं है, बस ऐसे ही है चिकन, ठीक है। अच्छा अभी मैंने इसको अंदर से निकाला है पिज्जे को, लेकिन ये कि इसके अंदर कोई ब्रेड श्रेड नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही ब्रेड है मुझे लग रहा है। ये देखे ना बिल्कुल नीचे हुए यार, ये देखे। हाँ ये ब्रेड है। अच्छा और इसके अंदर जो चिकन है काफ़ी जूसी लग रहे हैं और है भी काफ़ी, इसका जो चिकन है वो भी टेंडर चिकन है और बड़ा ही मतलब टेस्टफुल लग रहा है। अभी एक इन्होंने ऊपर जो ऑलिव डाली हुई है ये भी ज़बरदस्त है, तो खाने में कैसा है? बेहतरीन है। अभी ये मेरी फर्स्ट बाइट है, देखें कैसा देखा हुआ इस वजह भी डाल। इसकी डो साइड पे भी लगी हुई है और कैसा टेस्ट है यार? मुझे तो अच्छा लगा, अच्छा लगे अभी बस, ठीक है सही है। मतलब कि आप इसको पिज़्ज़ा नहीं कह सकते, आप इसको कोई नई डिश का नाम देते हो तो वो बेहतर है बजाय इसके कि आप इसको पिज़्ज़ा बोलें। आप इसको कह सकते हैं मटके वाला चिकन, ये कह सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि पिज़्ज़े वाली थोड़ी सी फीलिंग कम आ रही है, मुझे कम आ रही है। तो आपने ऑनेस्ट रिव्यू देना है, मज़े का था। इट्स नॉट दैट अप टू द मार्क, लेकिन अच्छा अच्छा नॉर्मल। यू कैन से कि इसका पिज़्ज़ा नहीं, इसका चिकन आप कह दें, अगर मटका चिकन कह दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है कि मटका चिकन था और मटके चिकन की तरह का इसका टेस्ट आ रहा है। मतलब कि मटके के अंदर सिर्फ चिकन को जो सॉसेज वगैरह सारे जो मतलब कि डलती हैं, चीज़ डलती है, ऑलिव्स थे, एलोपिनो कॉर्न्स, ठीक है वो थे वो सर, मतलब कि जो पिज़्ज़े में सारी चीज़ें डलती हैं, लेकिन ये कि पिज़्ज़ा आप इसको ना कह सकते, आप इसको कह सकते हैं यार ब्रेड थी, लेकिन नो डाउट गुड था, टेस्ट अच्छा था। टाइम तकरीबन 3:30 हो गए हैं, खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे बाबा जी की कुल्फ़ी खाने के लिए। तो बाबा जी की कुल्फ़ी बड़ी ही अच्छी है, तो पिज़्ज़ा खा के ना अंदर से हमने, क्योंकि लिक्विड कुछ नहीं पिया हुआ था तो बड़ी अजीब सी जलन हो रही थी, तो अभी ये कुल्फ़ी खा रहे हैं। हाँ। कैसी कुल्फ़ी है ये? बेहतरीन है ना। तो बस ये है कि इस कुल्फ़ी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आज की वीडियो का, आज का व्लॉग हम यही एंड करेंगे इस कुल्फ़ी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा एक नए व्लॉग का। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तकरीबन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, जैसे ही हारोड से आप गुजरते हैं ना और ये बिजली घर है ना जो आपको इतना कलरफुल लगता है ना, देखें रंग बिरंगी लाइटें, ये सारा बिजली घर है, सही बिजली घर बनाया हुआ है इन्होंने। ओए होए होए होए, 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 होए।